आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं गांधी परिवार के साथ। एक बार फिर से गांधी परिवार के पक्ष में उतरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ट्वीट कर पार्टी को बताया सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरे तरीके से एकजुट, और कहा कि कुछ लोग गलत फहमी में है कि गांधी परिवार अलग थलग पड़ गया है। आजादी से लेकर अब तक गांधी परिवार में हर वर्ग, जाति और धर्म को विश्वास है। इंडिया टुडे में छपा संपादकीय जो पूरी तरह से असत्य यानी कि झूठा है और निराधार है यानी कि उसका कोई आधार नहीं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एक साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो एनडीए सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठा रही है। राष्ट्र के प्रति गांधी परिवार की प्रतिबद्धता और समर्पण का कोई मुकाबला नहीं। दरअसल जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, गांधी परिवार से विश्वास खत्म हो रहा है, जीते इसके नेता जिस तरीके से बयानबाजी देते हुए नजर आए थे उन पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला किया है। इससे पहले भी जब AICC की बैठक हुई थी उसमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला किया था और उनको कहा था कि इस वक्त कांग्रेस को कमजोर करने वाले बयान देने की जरूरत नहीं बल्कि पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। एक बार फिर से गांधी परिवार के पक्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उतरे हैं और ट्वीट कर पार्टी को सोनिया गांधी के नेतृत्व में एकजुट बताया है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में इसलिए क्योंकि वर्तमान स्थिति में सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अध्यक्ष है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, ऐसा लगता है कि वर्तमान स्थिति में अगर गांधी परिवार के संपूर्ण पक्ष में कोई है और संकट मोचक की भूमिका में कोई है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो बार बार कांग्रेस को एकजुट करने के बयान देकर उस तबके को संदेश देते हैं जो कांग्रेस को अस्थिर करना चाहते हैं। शायद यही वजह है विजेंद्र कि जब 28 नवंबर को, या अगर तारीख हो सकता है मैं चूक रही हूँ, लेकिन नवंबर में एक बैठक हुई थी और जिसके बाद ये संदेश दिया गया था कि G23 नाम का जो ये हवा है उसे डिसॉल्व कर दिया गया है। लेकिन अब बात केवल ये थी कि उसमें अशोक गहलोत और कमलनाथ, ये दो व्यक्तियों को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि अशोक गहलोत और कमलनाथ वो व्यक्ति है जो G23 वाले लोगों को पर्सनली जानते थे और उनको समझाने का काम सोनिया गांधी ने दिया था। और जब लगातार जब भी गांधी परिवार से कोई आक्रामक तरीके से, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो चाहे किसी और व्यक्ति की तरफ हो, यहाँ तक कि जब CWC की बैठक हुई और किसी भी तरह के सवाल उठे आनंद शर्मा की तरफ से, या जब सोनिया गांधी अध्यक्षता को लेकर तमाम चीजों को लेकर जब सवाल उठे नया CWC बनाया जाए, उसमें भी अशोक गहलोत ने दो टूक आनंद शर्मा को कह दिया था कि मैं 35 साल से आपको जानता हूँ लेकिन तरीका इस तरह का नहीं है। तो ऐसे में एक बार फिर गांधी परिवार के पक्ष में उतर गए गहलोत। ट्वीट करके उन्होंने पार्टी को सोनिया गांधी के नेतृत्व में एकजुटता वाली बात कही है और कहा है कि कुछ लोग गलतफहमी में हैं कि गांधी परिवार अलग थलग पड़ गया है। जी, उन्होंने ये कहा कि आजादी से लेकर अब तक गांधी परिवार में हर वर्ग, जाति और धर्म में विश्वास में रखा है। और इंडिया टुडे में एक संपादकीय छपा था जिसे पूरी तरह से असत्य और निराधार कहकर उन्होंने अपने ट्वीट पर बात कही है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, किसी भी चुनौती को निपटने के लिए एकजुट है। और देखिए, इसमें एक बात और है, इस पूरे आर्टिकल में बार बार गांधी अशोक गहलोत को दिल्ली आने की बात कही और रह रहकर ये बात उठती है कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होंगे तो वो अशोक गहलोत हैं। तो इसको दो तरीके से देखा जाए, एक तो राजस्थान का एक गुट है, कांग्रेस का ही शायद, जो ये चाहता है कि अशोक गहलोत को दिल्ली भेजा जाए, और दिल्ली में भी ऐसे गुट हैं जो चाहते हैं। ये सत्य है या असत्य, ये ट्वीट से आप अंदाजा या तो लगा सकते हैं या आप खुद समझ सकते हैं कि अगर बाहर तौर पे अशोक गहलोत व्यक्ति है जिसपे गांधी परिवार अब सबसे ज्यादा, अहमद पटेल के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति पर विश्वास है तो वो अशोक गहलोत है। तो जहर रहकर ये बात एनालिटिकली समझ आती है कि अगर किसी को पार्टी की कमान सौंपने की बात हुई और यहाँ तक कि KC वेणुगोपाल को जब रिप्लेस करने की बात की तब दो नाम थे, या तो अशोक गहलोत या प्रियंका गांधी। और जब प्रियंका गांधी से ये बात कही गई कि क्यों नहीं प्रियंका गांधी KC वेणुगोपाल की जगह उस पोस्ट को, संगठन की, राष्ट्रीय संगठन की पोस्ट को संभालती है, तब ये काम गया सोनिया गांधी द्वारा कि नहीं भाई, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो संगठन की दोनों पोस्ट एक परिवार में नहीं जा सकती। तब ये सवाल उठा फिर सबसे टोल व्यक्ति जो राजनीति को बारीकी से समझते हो, जो गांधी परिवार और कांग्रेस की विचारधारा को हिस्ट्री को समझते हो, वो केवल अशोक गहलोत है।
हालांकि आज इस पूरी बात में उन्होंने ये कहा कि ये जो तमाम तरीके की बातें उठती हैं और जो इंडिया टुडे ने छपा है वो एकदम गलत है। राहुल गांधी ये एकमात्र ऐसे नेता हैं जो एनडीए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आम लोग से जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं और राष्ट्र के प्रति गांधी परिवार की प्रतिबद्धता और समर्पण का कोई मुकाबला नहीं है। और यही व्यक्ति जो राजस्थान में बैठकर लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, नीतियों को टारगेट करते हैं किसान, तो ये जाहिर तौर पर अशोक गहलोत व्यक्ति है जो रह रहकर गांधी परिवार के पक्ष में एक ढाल की तरह खड़े रहे। जी बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।